जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024। जी हां दोस्तों, एक और नए जिले का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। आवेदन कैसे करना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, जमा कहाँ करवाना है, क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेंगे, एज क्या है, योग्यता क्या है, वेतन क्या है, पद कहाँ कहाँ निकल रहे हैं, खाली पद कौन कौन सी आंगनबाड़ी में है, कहाँ कहाँ ग्राम पंचायत में पद निकल रहे हैं, भर्ती निकल रही है, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे इसी वीडियो के अंदर। चयन कैसे होगा, 10वीं 12वीं की परसेंटेज या मूल्यांकन के कितने कितने नंबर मिलेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। सारी की सारी जानकारी, पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, एकदम अच्छी और सरल भाषा में आपको समझाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। तो देखो भाई, फटाफट से इसकी संपूर्ण जानकारी हम देखने वाले हैं। बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू सीधी भर्ती होगी। आंगनबाड़ी जो महिला भर्ती होती है इसमें केवल महिलाएं लगती हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। देखो, राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024 कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर ये भर्तियां हैं। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और चूरू जिले की ये भर्ती है दोस्तों। थंबनेल में ही आपने देख लिया होगा, चूरू जिले की ये भर्ती है। जो भी महिलाएं चूरू की निवासी हैं वो उसी ग्राम पंचायत की फॉर्म भर सकती हैं जिस ग्राम पंचायत में भर्ती निकल रही है। अब एक ग्राम पंचायत में 10 गाँव भी हो सकते हैं, 20 गाँव भी हो सकते हैं, बस आपके डॉक्यूमेंट्स में ग्राम पंचायत का नाम लिखा होना चाहिए कि भैया मेरी ग्राम पंचायत कुछ भी है, ठीक है? जैसे कुछ भी ग्राम पंचायत है आपकी, तो उसी ग्राम पंचायत में अगर भर्ती निकल रही है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी? बिल्कुल। और यह भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ग्राम पंचायत में भर्तियां निकल रही हैं। बिल्कुल, आप चिंता ना करें। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट 2 अप्रैल 2024 रहेगी, यानी कि आपके पास अभी तो और काफी समय है। 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी 2024। अभी तो पूरा मार्च है, जिसमें मार्च मान लो और फिर अप्रैल आएगा, ठीक है जी। बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू भर्ती है। एज 18 से 35 साल है और छूट भी है। छूट किन किन को है वो भी देख लो, 18 से 35 साल और छूट किन को। एससी एसटी की जो भी महिलाएं हैं उनको 5 साल की छूट, दिव्यांग महिलाएं हैं उनको 5 साल की छूट, विधवा महिलाएं हैं उनको 5 साल की छूट, तलाकशुदा महिला है उनको 5 साल की छूट। लेकिन अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें भाई। दिव्यांग जो भी महिला है सर्टिफिकेट रखें, विधवा महिला मृत्यु प्रमाण पत्र पति का, और तलाकशुदा न्यायालय का प्रमाण पत्र, ये अगर आपके पास रहेगा तभी आपको 5 साल की छूट मिलेगी। ये जो छूट है 5 साल की, इसमें आपको सीधे 18 से 40 साल के हों तो आप आवेदन कर सकती हैं। बिल्कुल। अब देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, जो भी महिला फॉर्म भर रही है वो स्थानीय निवासी होनी चाहिए। पहली बात तो ये सुनो, जिस ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है उसी ग्राम पंचायत की महिला फॉर्म लगा सकती है। तो ये आप कहाँ देखोगे, आप नोटिफिकेशन में देखोगे कि आपके ग्राम पंचायत में भर्ती निकल रही है कि नहीं निकल रही है, ठीक है? नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और विधवा महिला और तलाकशुदा महिला जो है वो अगर पीहर से फॉर्म भरना चाहे तो भी भर सकती है, ससुराल से भरना चाहे तो भी भर सकती है, दोनों जगह उसको स्थानीय निवासी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विधवा महिला है साहब, वो पीहर में भी अपने दिन गुजार सकती है और ससुराल में भी रह सकती है। तो अगर मान लो चूरू किसी महिला का पीहर है तो आप पीहर से फॉर्म लगा सकती है, और चूरू अगर मान लो किसी विधवा महिला का ससुराल है तो वो यहाँ भी फॉर्म लगा सकती है, ससुराल से भी और पीहर से भी, दोनों जगह से आप फॉर्म लगा सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन विधवा और तलाकशुदा को ही ये मौका मिलेगा दोनों जगह से। और कुंवारी लड़कियाँ जो हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकती हैं, शादीशुदा हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकती हैं। ये सबसे बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात ये है। शादीशुदा लड़कियाँ
तो आवेदन करती ही करती हैं, लेकिन कुंवारी जो लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं, कोई बीएड कर रही है, कोई एमए कर रही है, कोई बीए कर रही है, उनकी एज 18 साल हो गई है, तो वो भी इस भर्ती में आवेदन कर सकती हैं। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, सब या तो मौजी होगी और के छोरिया ने तक मिलगो मौको फॉरम भरवा को, अब तो भरी दो बिराड़, है ना, सारी लगा दो फॉरम दमादम। और महिलाएं विवाहित हो या अविवाहित हो, दोनों ही पात्र हैं। और जो फॉरम की बात है वो हम करते हैं, आपको फॉरम कहाँ मिलेगा, कहाँ जमा करवाना है वो भी चर्चा करें। कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग चूरू राजस्थान, ये तो है जिले की लोकेशन, ठीक है, अगर जिले पर आप जाना चाहते हो तो ये लोकेशन। और अगर आपको अपनी तहसील में या आपकी पंचायत समिति में ही ढूंढना है कार्यालय, तो CDPO ऑफिस चले जाना, ठीक है, CDPO कार्यालय में आप जाकर के बोल देना कि सर ऐसे ऐसे अपनी तहसील में भर्ती निकल रही है आंगनबाड़ी की, हमें फॉरम चाहिए, तो वो आपको फॉरम भी दे देंगे। और फॉरम वहीं पर जमा करवाना है, CDPO ऑफिस में ही फॉरम मिल जाएगा, और वहीं पर भर देना, वहीं पर फोटो फाटो चिपका देना, और जो भी दस्तावेज हैं उनकी फोटो कॉपी लगा देना, और उसी CDPO कार्यालय में फॉरम को जमा करवाना है। समझ गए बात, बिल्कुल। और वैसे आपको फॉरम देखना है, शपथ पत्र लगेगा वो देखना है, और घर में शौचालय होना चाहिए, नियमित उपयोग हो रहा हो उसका, ऐसा एक शपथ पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा, और वो शपथ पत्र भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, फॉरम भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पूरे मूल्यांकन के कितने कितने नंबर मिलेंगे वो भी टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, और कहाँ कहाँ किन किन ग्राम पंचायतों में भर्ती निकल रही है वो भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, सारी की सारी जानकारी, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे वो भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें जो बातें हैं वो पहले समझ लीजिए, टेलीग्राम कहीं भाग के नहीं जा रहा है, आराम से देख लियो, डटो तक पहले समझ लो बातन, समझगा, फिर बाद में तुम कमेंट करोगे साहब ये बता दो वो बता दो, पहले ही समझो ना तुम ढंग से, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, सुनो भाई ध्यान दो इधर, फॉरम आपको लेना है जो यहीं पर मिलेगा CDPO ऑफिस में, अगर ये ना मिले तो फिर सीधे यहाँ चले जाना आप, ठीक है ना, कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग चूरू राजस्थान, यहाँ पर चले जाना, यहाँ तो मिलेगा। फिर शौचालय का घोषणा पत्र आपको लेना है, नोटरी करवानी है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड सबके पास है, राशन कार्ड सबके पास है, मूल जाति नहीं है तो बनवा लो, जाति प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 100-150 रुपया लगेगा, लो मना करो, नयो बनवा लो, ठीक। 2 फोटो सबके पास है, मार्कशीट सबके पास है, 12वीं पास की योग्यता मांगी गई है, इस बात का ध्यान रख लेना, 10वीं पास की काम नहीं चलेगा, अब पूरा 12वीं पास योग्यता मांगी गई है। विवाहित अगर कोई भी महिला है तो अपना विवाह पंजीयन लगाए, फोटोकॉपी, ठीक है, तो ये तो हो गई सारी की सारी जानकारी। अगर कोई भी महिला आंगनबाड़ी में लगी हुई है पहले से सहायिका के पद पर, और वो कार्यकर्ता के ऊपर फॉरम लगाना चाहती है, तो उसको अगर 2 साल पूरे हो गए हैं काम करते हुए तो वो फॉरम लगा सकती है, ठीक है, 2 साल पूरे हो गए हैं तो उसको छूट मिलेगी, और उसी आंगनबाड़ी में, जिस आंगनबाड़ी में वो सहायिका के पद पर है उसी आंगनबाड़ी में उसको कार्यकर्ता बना दिया जाएगा, अगर उसकी योग्यता पूरी हुई तो, 12वीं पास हुई, बढ़िया अच्छा खासा अनुभव हुआ तो लगा देंगे उसको, ठीक है जी। तो ये तो हो गई बात, अब चयन कैसे होगा, 10वीं 12वीं की परसेंटेज जुड़ेंगी, मूल्यांकन का नंबर जुड़ेगा, फिर थारो मेरिट लिस्ट बनेगा। अच्छा, नंबर किसके कितने मिलेंगे, स्नातक अगर कोई भी महिला है तो 1 नंबर मिलेगा, BA BSc BCom कोई कर रखी है तो 1 नंबर मिल जाएगा, स्नातकोत्तर यदि किसी महिला ने कर रखी है PG तो 2 नंबर मिलेगा, और लास्ट स्नातकोत्तर है तो 2 ही मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे, तुम सोचो कि स्नातक को 1 जोड़ दो और स्नातकोत्तर का 2 जोड़ दो 3 होगा, ना, 2 ही मिलेगा। NTT BSTC नर्सिंग, आयुर्वेदिक नर्सिंग, BSTC BEd जो भी आपने कर रखी है तो 2 नंबर मिलेंगे, ANM GNM कोई सा भी कर रखा है तो 3 नंबर मिलेंगे, RSCIT है, PGDCA का कोई डिप्लोमा है तो 1 नंबर मिलेंगे, कार्य अनुभव आपके पास है अगर आपने आंगनबाड़ी में काम किया है तो सीधे 4 नंबर मिलेंगे, 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, विधवा महिला को 3 नंबर मिलेंगे, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, तलाकशुदा महिला के पास 2 नंबर मिलेंगे, उसके न्यायालय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांग कोई भी महिला है उसको 2 नंबर मिलेंगे, सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST की महिला है उनको 3 नंबर दिए जाएंगे। अब रिक्त पद कहां कहां है ये भी देखो भाई, तारानगर में,
रतनगढ़ में, चूरू शहर में, चूरू ग्रामीण में, ग्रामीण में तो पूरे गांव आ गए, समझ रहे हो, बीदासर में, सरदार शहर में, सुजानगढ़ में, राजगढ़ में और राजगढ़ ग्रामीण में, ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर पद निकले हुए। और आपको ग्राम पंचायत देखनी है आपकी, ठीक है ना, ग्राम पंचायत के अनुसार आपको फॉर्म भरना है। और ये कहाँ मिलेगा, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप आराम से चेक कर लो। आपके ग्राम पंचायत में अगर भर्ती निकल रही है और आप उसी ग्राम पंचायत की निवासी हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकती हो, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय निवासी होनी चाहिए ग्राम पंचायत की, तभी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। तो ये थी इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। फॉर्म तो आपको ऑफिस में ही लेना पड़ेगा और वहीं पर जमा करवाना पड़ेगा, वैसे मान्य नहीं होगा। देख सकते हो आप टेलीग्राम पर फोरम वगैरह जो है वो आप देख सकते हो, देखने के लिए हमने डाल रखा है कि भैया देख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।